भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपने 68वां स्थापना दिवस को भव्य समारोह के साथ मनाया। 1 सितंबर से शुरू हुए इस उत्सव के अंतर्गत कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज शाखा कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम एक पौधा माँ के नाम अभियान भी किया गया। वहीं LIC की शाखा कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न गांवों के और शहरों से आए अभिकर्ताओं ने भाग लिया। शाखा प्रबंधक कपिल कौशिक के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में पौधारोपण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य विशेष गतिविधियां शामिल थी। हमारे 68वें स्थापना दिवस पर हम सभी अभिकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ मिलकर इस दिन को खास बना रहे हैं। वहीं पौधारोपण जैसे आयोजनों के माध्यम से हम पर्यावरण को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बताइए कि किस प्रकार से 68वां स्थापना दिवस LIC का मनाया जा रहा है और काफी उत्साह है लोगों में। LIC अपना स्थापना दिवस ब्रांच के अंदर अभिकर्ताओं के साथ में काफी हर्ष और उल्लास के साथ में मना रही है, जिसमें ब्रांच शाखा के सभी अभिकर्ता साथियों ने भाग लिया और शाखा प्रबंधक के समक्ष सभी अभिकर्ता साथियों ने ये कहा कि जिस प्रकार से 1 सितंबर से जो है लगातार जो है सप्ताह मनाया जा रहा है और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, आज भी जिस प्रकार से कई आयोजन हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जीवन बीमा निगम पूरे वर्ष भर में अपने 68वीं वर्षगांठ मना रहा है और हर साल इसे हम बीमा सप्ताह के रूप में मनाते हैं और इसमें तरह तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, मेडिकल चेकअप, वृक्षारोपण और विभिन्न तरह की गतिविधियां स्टाफ के लिए, स्टाफ के अलग लोगों के लिए हर तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। और इसी क्रम में 5 सितंबर को हम अपने प्रिय अभिकर्ताओं के लिए अभिकर्ता दिवस मनाते हैं, जिस दिन हम सब लोग मिलकर उस दिन को बहुत उनके एक बर्थडे के रूप में सेलिब्रेशन करते हैं। और ये परंपरा सिर्फ उदयपुर या आबू रोड या जोधपुर कहीं तक सीमित नहीं है, पूरे वर्ष भर में इस सप्ताह को और इस दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस क्रम में हम एक पौधा माँ के नाम के तहत हमने आज 200 पौधों का वितरण भी हमारे अभिकर्ता साथियों के बीच में किया है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज के दिवस को हमने मनाया है। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट।